हेलो गाइस, द प्रेस ऑफ रनिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी जो हम सीरीज लेके आए हैं जिसमें हमने जावा का थ्योरी का सीरीज चल रहा है, अभी तक अगर बात किया जाए तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने कवर किए थे मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, तो आपको बताना चाहेंगे चाहे गाइस कि मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा इंटरव्यू में। अगर बोला जाए तो 90% इंटरव्यू में क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा है। तो अभी तक अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले जाके वो वाला वीडियो देखें। देन ये जो हमारा आज की टॉपिक है, ये मेरा टॉपिक है बैंडिंग, यानी कि सबसे पहले आपको बताएंगे कि बैंडिंग क्या होते हैं एंड बैंडिंग के कितने टाइप होते हैं और इसकी इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज की आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि आज के हमारा टॉपिक क्या है, बैंडिंग, यानी कि बैंडिंग क्या होते हैं, ये किस कितने टाइप के होते हैं एंड जावा में इसका क्या यूज है एंड इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे। और किसी को अगर मॉक इंटरव्यू देनी है गाइज तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, आपको क्या करना है, सिंपल ग्रुप में ज्वाइनिंग करना है, देन एडमिन को आपको मैसेज करना है आई एम इंटरेस्टेड इन द मॉक इंटरव्यू, देन हमारा टीम आपसे कनेक्ट करके आपकी मॉक इंटरव्यू लेंगे। अगर आपकी मॉक इंटरव्यू अच्छी जाती है तो हमारे पास अभी जो है मिनिमम 40 कंपनियां की टाइप है जिसमें आपको बैठने की एक्सेस परमिशन दिया जाएगा और आप रेस होंगे। तो अब बिना रेस किए हम लोग क्या कहते हैं, पीपीटी की ओर चलते हैं। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे अगर आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं तो सबसे पहला क्या है, डिफिनेशन है बैंडिंग, यानी कि सबसे पहले अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो व्हाट इज बैंडिंग, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बैंडिंग क्या होता है, तो आपको डिफिनेशन क्या बोलना है, कनेक्टिंग ए मेथड कॉर टू द मेथड बॉडी इज नोन एज बैंडिंग, यानी कि एक मेथड को कनेक्ट किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, बैंडिंग, यानी कि कनेक्टिंग ए मेथड कॉर टू द मेथड बॉडी इज नोन एज बैंडिंग। तो आई होप आपको डिफिनेशन आपको पता हो गया होगा कि बैंडिंग का डिफिनेशन क्या होता है। तो सिंपल अभी आपको इतना जानना है कि कनेक्टिंग ए मेथड कॉर टू द मेथड बॉडी इज नोन एज बैंडिंग। अब बात किया जाए कि बैंडिंग का टाइप का, तो जावा में बैंडिंग कितना होता है, टोटल दो टाइप का होता है। सबसे पहला जो होता है गाइस, सबसे पहला अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहला जो मेरा क्या होता है, स्टेटिक बैंडिंग होता है। सेकेंड क्या होता है, डायनेमिक बैंडिंग, यानी कि आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी टाइप ऑफ द बैंडिंग, तो आपको बोलना है कि दो टाइप का होता है, स्टैटिक बैंडिंग एंड डायनेमिक बैंडिंग। स्टैटिक बैंडिंग को अगर बात किया जाए तो बोला जाता है कंपायरर टाइम पॉलीमोर, यानी कि कंपायरर टाइम क्या होता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। ओके, कंपायरर टाइम क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आपने अभी तक पॉलीमॉर्फिज्म का वीडियो नहीं देखे तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट में जाके वहां से पॉलीमॉर्फिज्म। और डायनेमिक बैंडिंग को बात किया जाए तो इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। ओके, इसको क्या बोला जाता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और इसको कंपायरर टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आपको याद रखना होगा गाइज कि बैंडिंग कितने टाइप होते हैं, दो टाइप का होता है, स्टेटिक बैंडिंग एंड डायनेमिक बैंडिंग। अब क्वेश्चन होता है कि सर स्टेटिक बैंडिंग किसको बोला जाता है एंड डायनेमिक बैंडिंग की जो कहता है, तो डोंट वेरी, अभी जस्ट हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब इसको हमने रिमूव करके अगर नेक्स्ट टॉपिक की ओर चले, मेरा जो पेज है नेक्स्ट पेज में हमने यहाँ पे डिफाइन किए, अगर यहाँ पे देखिए स्टैटिक बैंडिंग, तो अगर स्टैटिक बैंडिंग का डिफिनेशन की बात किया जाए तो सबसे पहला जो हमने यहाँ पे डिफिनेशन क्या लिखे हैं, व्हेन द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइन इनटू कंपायरर टाइम इज नोन एज स्टैटिक बैंडिंग, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट अगर डिटरमाइन करता है कंपायरर टाइम को तो दिस इज ए स्टैटिक बैंडिंग। ओके, सकीन हमने क्या यहाँ पे लिखे हैं पॉइंट, स्टैटिक बैंडिंग इज आल्सो नोन एज कंपायरर टाइम बैंडिंग या अर्ली बैंडिंग, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं आप, कंपायरर टाइम बैंडिंग बोल सकते हैं या अर्ली बैंडिंग। आपसे इंटरव्यू में कभी कभी ये भी पूछ देता है गाइज कि अर्ली बैंडिंग क्या होते हैं या कंपायरर, तो आपको बोलना है When the different type of object can be determined into the comparer time is known as static bending, या तो comparer time bending या तो dynamic bending, early bending। ओके, अब हम क्या कहते हैं, इसका एक आपको कोड करके दिखाते हैं। ओके, इसका सिंपल जो आपने मेथड ओवरलोडिंग या कंपायर टाइम में कोड किया एज इट इज सेम होगा। एक बार हम दोबारा से यहाँ पे आपको क्या कहते हैं गाइज बता देते, तो सिंपल हमने यहाँ पे जाएंगे एक क्लास बनाते हैं, सिंपल सेम ही करते हैं, क्लास हमने कैर क्यू रेट नाम का हमने क्लास बनाते हैं। ओके,
फिर इसके अंदर में एक मीटर यूज करते हैं, पब्लिक देते हैं एंड इंट करते हैं, एड नाम का मीटर यूज करते हैं, और इसके अंदर में हमने क्या कहते हैं इंट ए देते हैं, कोमा क्या कहते हैं कोमा, इंट क्या कहते हैं बी दे देते हैं। देन यहाँ पे ओपन करी ब्रैकेट करेंगे ए प्लस क्या करेंगे बी, देन सेमीकोलन करेंगे। एक अगेन दूसरा मेथड हमने यहाँ पे ओके यहाँ पे सॉरी रिटर्न लिखेंगे ओके क्या करेंगे रिटर्न करेंगे, रिटर्न कीवर्ड लगाएंगे एंड रिटर्न करेंगे। एंड सेकेंड हमने दूसरा भी मेथड यहाँ पे यूज करते हैं पब्लिक, पब्लिक देते हैं, देन यहाँ पे मेथड नेम क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए इंट एड दिए, देन यहाँ पे हमने क्या कहते हैं इंट में ए देते हैं कोमा, देन इंट में क्या कहते हैं बी देते हैं एंड इंट में क्या कहते हैं सी देते हैं ओके। देन यहाँ पे ओपन कर दी ब्रैकेट करेंगे एंड रिटर्न में सेम एडिटिव हमने क्या करेंगे ए प्लस क्या कहते हैं बी और प्लस क्या कहते हैं सी देन के सेमीकोलन। तो ये मेरा क्या हो गया, हमने एक कैलकुलेटर नाम का प्रोग्राम बनाए, क्रास सॉरी क्लास बनाए, यहाँ पे क्लास है तो इसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा, क्लास बनाए उसके अंदर में हमने क्या किया गाइस दो मेथड बनाए, पहला एड जो कि हमने दो पैरामीटर दिए, सेकेंड में हमने तीन पैरामीटर। अब हम यहाँ का क्या करते हैं गाइस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ हमने पहले भी बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट को सिंपल क्रिएट करने के लिए जिस नाम से आपकी क्लास होगा उस क्लास का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला मेरा क्लास क्या है कैलकुलेटर नाम का, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेटर देंगे, देन अपने अकॉर्डिंग पे एक रेफरेंस वेरिएबल लगाएंगे। तो हमने सिंपल हमने कैल लगाए, इक्वल टू करेंगे न्यू कीवर्ड और जिस नेम से उसी नाम से कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। तो ये हमने क्या किया एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ गाइस एक ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हुआ ओके, यहाँ पे मेरा क्या हुआ एक ऑब्जेक्ट सॉरी यहाँ पे एक मेरा क्या हुआ ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब हम क्या करेंगे इसको कॉल करेंगे, कॉल करने के लिए सिंपल हमने यहाँ पे क्या किया सिस आउट लिखे, देन इसके अंदर में हमने क्या करेंगे कैर नाम का ऑलरेडी हमने ऑब्जेक्ट रिफ्रेंस में डॉट क्या करेंगे हमने एड मेथड को कॉल कर देंगे और यहाँ से पैरामीटर में हमने डेटा भेजेंगे। तो सबसे पहला में हमने 10 भेजे, सेकेंड पैरामीटर में हमने क्या कहते हैं 20 भेज देते ओके। एक बार चेक कर देते कि मेरा आउटपुट क्या आता है ओके। यहाँ पे रन जाके रन एज पे जावा एप्लीकेशन को जैसे ही क्लिक करेंगे मेरा 30 यानी कि मेरा यहाँ पे अगर बात किया जाए फ्लो चार्ट तो जैसे ही हमने किए कैट डॉट एड यानी कि यहाँ पे दो पैरामीटर, तो यहाँ पे जाके चेक किया कि दो पैरामीटर कौन सा है तो मेरा ये वाला मीटर क्या हुआ रन। अब हम क्या करते हैं तीन पैरामीटर एक बार भेज के लिखे, सिंपल हम सेम यहाँ पे सिस आउट लिखेंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे कैट डॉट डॉट क्या करेंगे एड मीटर लगाते हैं और इस बार हमने पैरामीटर की संख्या कितना कर देते हैं 3 कर देते हैं। इसमें हमने 10 दिए कोमा दिए सॉरी कोमा पहले से है, देन यहाँ पे हमने दूसरे में क्या किए 30 दे दिए एंड तीसरे में हमने क्या किए 20 दिए सॉरी और 30। एक बार इसको सेव करके हमने दोबारा से यहाँ पे रन करते ओके, रन करके यहाँ पे देखते हैं जावा एप्लीकेशन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 7। इस बार जो मेरा सबसे पहला जब कंपाइलर रन किया तो दो पैरामीटर था तो ये वाला पहले मेरा रन हुआ। सेकेंड बार हमने क्या किया इस पैरामीटर में यानी कि हमने यहाँ से कितने पासिंग किए थे 3 पैरामीटर पास किए थे जिसके कारण यहाँ पे ऑलरेडी मेरा कितना है 6। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में हो गया होगा कि आपको स्टैटिक बेंडिंग किसको बोला जाता है ओके, यानी कि ऐसा बेंडिंग जिसमें यहाँ पे ऑलरेडी अगर बात किया जाए तो हमने स्टैटिक बेंडिंग का करके व्हेन द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइन इन टू द कंपाइलर टाइम, यानी कि अगर आपने कंपाइलर टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल याद होगा या मेथड ओवरलोडिंग का सेम कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टैटिक बेंडिंग में होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको इस टाइप का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचता रहेगा। और अगर कोई आपकी दोस्त भी अगर जावा की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी बोलिएगा उनको शेयर करें। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए गाइज तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आपके स्क्रीन पर भी शो करता होगा वो है डायनेमिक बेंडिंग ओके। सेकेंड मेरा क्या है डायनेमिक बेंडिंग। अगर डिफिनेशन की बात किया जाए डायनेमिक बेंडिंग का तो क्या होता है व्हेन द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइन इनटू द रन टाइम, यानी कि आपको बात किया जाए स्टैटिक बेंडिंग में क्या होता है कंपाइलर टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को या मेथड ओवरलोडिंग को कॉन्सेप्ट को फ्लो करता है, बट डायनेमिक बेंडिंग क्या करता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो सकते हैं या मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट को करते हैं। सेकेंड हमने यहाँ पे क्या देखे डायनेमिक बेंडिंग इज आल्सो नोन है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या रेट बेंडिंग। इसका दूसरा नाम क्या होता है रेट बेंडिंग बोल सकते हैं या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एज इट सेम है ओके। अगर बात किया जाए तीसरी जो हमने पॉइंट लिखे हैं कि डायनेमिक बेंडिंग यूज ऑब्जेक्ट टू रिसॉल्विंग बेंडिंग, इसने क्या कहता है रिसॉल्व कहता है बेंडिंग को।
अब क्या कहते हैं गाइस, इसका एक हमने कोड करके आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने, तो सेम हम क्या कहते हैं इक्विप्स की ओर जाते हैं। यहाँ से जो हमने कोड को लिखे गाइस, इसको क्या कहते हैं डिलीट कर देते, ओके, एंड इक्विप्स पे जाके जस्ट यहाँ पे गाइस इक्विप्स पे जाते हैं और ये जो हमने पहले कोड लिखे थे इसको हमने क्या कहते हैं यहाँ से रिमूव करते हैं। देन यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किए थे इसको भी रिमूव करके हमने सिंपल कंट्रोल पहले सेव करते, कंट्रोल शिफ्ट एफ से आपका सही फॉर्मेट में हो जाता। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं एक क्लास अगेन हमने क्रिएट करते हैं, क्लास का नाम देते हैं एनिमा, जो एनिमा नाम से हमने क्लास देते हैं जो कि सेम एडिटिव क्लास देते हैं। इसके अंदर में हमने एक मेथड यूज करते हैं, मेथड का नाम देते हैं पब्लिक वाइड मूव नाम से हमने क्या कहते हैं मेथड को क्रिएट करते हैं। और इसके अंदर में हम क्या कहते हैं इसके अंदर में जाके हम यहाँ पे सिंपल सी साउट लिखते हैं, सी साउट लिख के क्या लिखते हैं एनिमल इज मूव, ओके, एनिमल इज मूव, ओके, एनिमल इज मूव दे देते हैं, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कहते हैं गाइज, ओके गाइज, नेक्स्ट हम एक क्लास बनाते हैं, अगेन क्लास बनाते हैं, ओके, क्लास का नाम क्या देते हैं डॉग नाम से हमने यहाँ पे क्लास बनाए और एक्सटीन कर देंगे, किसको करेंगे एनिमल को, हमने क्या कहते हैं यहाँ पे एनिमल क्लास को एक्सटीन कर देते, ओके। देन यहाँ पे ओपन करली ब्रैकेट करेंगे, सेम हमने एक मेथड अगेन यूज करते हैं पब्लिक लिखते हैं, पब्लिक एंड वाइड क्या कहते हैं मेन नाम का ही हमने मेथड यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। देन यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे यहाँ पे एक प्रिंट आउट करवा देते, एक मैसेज करवा देते, मैसेज हम यहाँ पे क्या कहते हैं डॉग इज वॉकिंग, ओके, डॉग इज वॉकिंग कर देते, ओके, डॉग इज हमने क्या कहते हैं वॉकिंग कर दी, ओके, डॉग इज हम क्या किए वॉकिंग कर दी, ओके। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या कहते हैं जो मेरी मेन क्लास है यहाँ पे जाते हैं, मेन क्लास में हमने सबसे पहला जो हमने आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या बोले जिस नाम से करना है, तो मेरा एनिमल है, यहाँ पे एनिमल देंगे ए इक्वल टू न्यू एंड क्या करेंगे उसी नाम से कंस्ट्रक्टर, यानी कि उसी नाम से हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर दिया, ओके, एनिमल नाम से हमने कंस्ट्रक्टर को क्या किए क्रिएट कर दिया, ओके, एनिमल नाम से, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, एनिमल नाम से हमने क्या करेंगे कंस्ट्रक्टर को, एनिमल नाम से कंस्ट्रक्टर को हमने क्रिएट कर दिया, ओके, कंट्रोल शिफ्ट एफ करेंगे तो हमारा यहाँ पे जैसे ही सेमी कॉलम देंगे तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी तो हमने सबसे पहले एनिमल को कॉल कर दिया। अब हमने क्या करेंगे अगेन हमने क्या किए यहाँ पे एनिमल लिखे, एनिमल बी इक्वल टू न्यू क्या करेंगे डॉग को इस बार हमने क्या करेंगे कॉल करवा देंगे, ओके, डॉग क्लास को हमने क्या किए यहाँ पे जो है हमने क्या किया गाइस डॉग को यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल में दे दिया, ओके, डॉग को हमने दे दिया, ओके, यहाँ पे इधर शो कर रहा है एनिमल, ओके, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं तो मेरा एक एरर शो कर रहा है, इससे कर रहा है गाइज कि हमने इसको अंदर में लिख दिए थे जो कि हमारा मिस्टेक हो गया है, ये क्लास है इसके अंदर में नहीं होगा। अब देखिए कोई भी एरर शो नहीं, तो यहाँ पे आपके एक कंफ्यूजन होता होगा कि सर आपने एनिमल तो बी लिखे बट अगर आपने क्लास बना दी, ये वाला जो मेरा क्लास है एनिमल ए इक्वल टू न्यू एनिमल, ये क्या कहता है रेफरेंस ऑब्जेक्ट को कहते हैं, पर यहाँ पे एनिमल बी इक्वल टू न्यू में डॉग दिए, ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट को कहता है, बट ये रेफरेंस किसको कर रहा है डॉग को कर रहा है, ये रेफरेंस किसको कर रहा है डॉग को कर रहा है, ओके। अब हमने क्या कहते हैं यहाँ पे ए डॉट क्या कहते हैं मूव मेथड को यूज किए सेमी, देन यहाँ पे बी डॉट अगेन हमने क्या किए मूव मेथड को कॉल कर दिया। एक बार इसको सेव करके हमने रन करते हैं तो एडिटिंग रन पे जाएंगे, रन पे जाके जावा एप्लीकेशन को जैसे ही करेंगे सबसे पहला मेरा यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्या आ रहा है एनिमल इज मूव, सकीन आता है डॉग इज वॉकिंग, ओके। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा गाइज कि यहाँ पे जो मेरी मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमने क्या किए जो मेरा डॉग क्लास है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ से इसकी फॉर्मेट को सही कर लीजिए, हमने क्या किए क्लास डॉग में क्या किए पूरी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर दी। अगर आप इनहेरिट क्लास को अगर आपने इनहेरिट प्रॉपर्टी आपने इनहेरिटेंस को पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर किसी दूसरे क्लास को तीसरे क्लास में एक्सटीन करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है एक्सटीन कीवर्ड का यूज करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर पीपीटी में जाते हैं तो हमने पहले यहाँ पे एक टॉपिक यहाँ पे छोड़े थे करेक्टरिसिटी ऑफ द जावा, यानी कि क्या करेक्टरिसिटी है जावा का स्टैटिक बाइंडिंग का, तो सबसे पहला अगर पॉइंट बोला जाए गाइस तो इसमें आता है लिंकिंग, यानी कि लिंकिंग बिटवीन मेथड, और इसमें जो होता है गाइज अगर
बोला जाए स्टेटिक बेंडिंग की मेजर पॉइंट, तो सबसे पहला क्या होता है, लिंकिंग बिटवीन मेथड कॉर्ड एंड द मेथड इम्प्लीमेंटेशन रिसॉल्व द कंपाइल। इसमें जो प्रोग्राम को रिसॉल्व होते हैं वो क्या होते हैं, कंपाइलर टाइम में होते हैं। सेकेंड जो हमने पॉइंट लिखे हैं, रिसॉल्व मैक्सिमम, यानी कि स्टेटिक बेंडिंग आर यूज टाइप ऑफ क्रॉस एंड फील्ड टू रिसॉल्व बेंडिंग। इसमें जो रिसॉल्व होते हैं क्रॉस एंड फील्ड को होते हैं। हर एग्जाम्पल हमने भी दिए हैं जिसमें बोले गए हैं कि मेथड ओवरराइडिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द, अब जो मेथड ओवरराइडिंग हमने पहले भी बताए थे कि मेथड ओवरराइडिंग का जो एग्जाम्पल है ये क्या होता है, स्टेटिक बेंडिंग का होता है। एंड टाइप ऑफ द मेथड जिसमें आपके बात किया जाए तो प्राइवेट फाइनर स्टेटिक मेथड एंड वेरेवर आर यूज द स्टेटिक बेंडिंग। ओके, ये सारे मेथड यूज आप कर सकते हैं, प्राइवेट यूज कर सकते हैं, फाइनर कर सकते हैं, स्टेटिक कर सकते हैं, स्टेटिक मेथड एंड वेरेवर, ये सारे चीज़ को आप यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आता होगा गाइस। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए तो यहाँ पे अगर मेरी पीपीटी में देखते हैं, ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए तो अब हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जावा डायनेमिक बेंडिंग, यानी कि डायनेमिक बेंडिंग का क्या क्या होता है। तो सबसे पहला ये लिंकिंग किसको करता है, तो लिंकिंग बिटवीन मेथड कॉल एंड मेथड इम्प्लीमेंटेशन इन रिसॉल्विंग द रन टाइम, ये क्या करता है गाइस, रन टाइम में करता है। सेकेंड बोला रिसॉल्विंग, तो डायनेमिक बेंडिंग यूज ऑब्जेक्ट टाइप रिसॉल्विंग, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट टाइप को रिसॉल्व करता है। अगर मेजर डिफरेंस की बात किया जाए गाइस तो यहाँ पे अगर देखते हैं, अगर बात किया जाए तो अगर हमने यहाँ पे देखिए, अगर हमने बात कर लीजिए इसने क्या करता था, स्टैटिक बेंडिंग का काम क्या था कि ये क्रॉस एंड फील्ड को क्या करता था, रिसॉल्व करता था। आपको मेजर कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि स्टैटिक बेंडिंग किसको रिसॉल्व करता था, क्रॉस एंड फील्ड को करता था। बट अगर बात किया जाए डायनेमिक बेंडिंग का, तो डायनेमिक बेंडिंग क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट को रिसॉल्व करता है। ओके, अगर स्टैटिक बेंडिंग की बात किया जाए तो ये क्रॉस एंड फील्ड को करता था, बट अगर बात किया जाए डायनेमिक बेंडिंग का तो ये किसको रिसॉल्व करता है, तो डायनेमिक बेंडिंग ऑब्जेक्ट को करता है। थर्ड एग्जांपल बोला जाए तो इसका बेस्ट एग्जांपल है मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट जो है ये बेस्ट है। एंड टाइप की बात करें तो ये वर्चुअल मेथड एंड यूज डायनेमिक, ये क्या करता है, वर्चुअल जो मेथड होते हैं उनको ये करता है। तो आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा गाइज, कि बेंडिंग किसको बोला जाता है, ये कितने टाइप पे हैं और इसमें जावा में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। आई होप हमने सारे टॉपिक को कवर इसमें किए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे तो एक लाइक, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस टाइप का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक बोला जाए। अगर बात किया जाए गाइस तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट्स, जो कि जावा का अगर फ्यूचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक से, इससे भी जावा में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपसे हमने पहला जो होगा कि एब्स्ट्रैक्शन किसको, जो कि हमने पूरी कवर किए हैं कि एडवांटेज क्या होते हैं, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड एवरीथिंग को हमने कवर किए हैं। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा गाइस, ये भी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको भी नहीं दे, सबसे पहले ये वीडियो देखिए, देन हमारा ये। और इसीलिए हमें आपको बोलते हैं कि हमारा जो है चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमने इंपॉर्टेंट जो वीडियो डालते हैं वो सबसे पहले आपके तक नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो गाइज आज के लिए हमारा इतना ही रहा, आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं जिसका नाम होगा एब्स्ट्रैक्शन।